जय हिंद, नमस्कार। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लास्ट माइल एजुकेशन। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि एंड आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी नवरात्रि। मे माता दुर्गा ब्लेस यू विद सो मच पॉजिटिव वाइब्स, ऑरा एंड एटीट्यूड। मे माता दुर्गा गिव यू सो मच पावर टू वर्क अपॉन योर सेल्फ। मे माता दुर्गा बी विथ यू ऑल द टाइम। लेट्स सेलिब्रेट दिस नवरात्रि एंड दशहरा विद लास्ट माइल एजुकेशन। जो हमारे अंदर जो एक डर है ना, उस डर को हम लोग इस बार विजयदशमी पे मारते हैं अपने बाण से और हम लोग उस पे विजय पाते हैं। लेट्स सेलिब्रेट दिस दशहरा विद वनली एंड वनली लास्ट माइल एजुकेशन। सो टुडेज क्लास इज अबाउट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है? आर यू अ क्यूरियस पर्सन और नॉट? आई एम अ क्यूरियस पर्सन। यू आर ऑल्सो अ क्यूरियस पर्सन, सो यू आर हियर। आप भी एक क्यूरियस पर्सन हो, इसीलिए आप यहाँ पे हो। क्यूरियस मतलब जिज्ञासा होता है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासु व्यक्ति, जो भी कुछ जानने की इच्छा रखता हो, अंदर में कुछ समझने की इच्छा हो। जैसे इन योर क्लास यू सी सम बॉयज ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, सो दे आर द क्यूरियस पर्सन। उनका एटीट्यूड जो है वो कुछ जानने वाला है, कुछ समझने वाला है। आपके दिमाग में कुछ ऐसा होता है कि नहीं कि एरोप्लेन कैसे फ्लाई होती है स्काई में, या बर्ड कैसे फ्लाई होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर कैसे आ जाती है इतना आसानी से, हाउ यू आर रिकॉर्डिंग द वीडियो इन योर फोन, हाउ यू आर लिसनिंग सो मेनी सॉन्ग्स इन योर फोन, ये नेटवर्क कैसे कनेक्ट हो जाते हैं, ये पानी है क्या, ये दुनिया है क्या, ये जीवन है क्या, इतने सारे क्वेश्चन हमारे आस पास हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। एंड वी ट्राई टू नो, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, लाइक दैट ट्राई इज कॉल्ड क्यूरियसिटी। मतलब वो जानने की इच्छा रखता है, उसे हम लोग क्यूरियस पर्सन बोलते हैं। Curiosity and curious mind is very simple. Okay, so let's start our class without any delay. Curious mind or person, someone is equal to anyone, someone who is eager to find out answers and to explore and learn. Someone who is eager to find, मतलब जो अंदर से बहुत जिज्ञासु है जानने के लिए, उत्सुक है जानने के लिए, उसको रहा नहीं जा रहा है। Eager to learn, eager to find, उसको जानना है, उसको पहचानना है, find करना है, out answers, जो भी answers है उसको find करना है, and to explore and learn, और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाकर और समझना है, देखना है, या फिर उसको मान लो कोई philosophy पढ़ रहा है तो philosophy को explore करना है, मतलब उसकी हद तक जाना है, और then he has to understand and learn, that person is curious person, you have to find, you have to explore and you have to learn. Okay, these three main points of this definition. Curious person बोलने से तो curious हम लोग हो नहीं जाएंगे। Curious persons के कुछ characteristics होते हैं। What is characteristics? The behavior. And on those characteristics we are going to talk about. So what are those characteristics? Whatever I have find, I have nine characteristics. What I have learned. If you know any more characteristics, you can add in the comment section below. So first characteristic is listen without judgment. Don't be a judge all the time. हम लोगों का behavior हो गया है कि हर समय we do judgment on everything. Like this attitude is also in me that I do sometimes, only but sometimes, not all the times. But many people do all the times like judgment and all. So don't give your judgment. अगर आपकी जजमेंट मैटर कर रही है वहां पे तो दीजिए, अदरवाइज इफ नो वन इज आस्किंग टू यू देन वाई टू गिव एनी फ्री जजमेंट। उसको फुर्सत की सलाह बोलते हैं या फिर फ्री का, मुफ्त का सलाह बोलते हैं। डोंट गिव इट, ओके? बी विथ योर माइंड सेट, अंडरस्टैंड करो मैटर को, लेकिन जज ना करो। जो भी हो रहा है इट्स ओके टू बी ओके, नथिंग, इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन। So why are you involving in that situation? Don't be involved. Keep yourself aside from the giving judgment and commenting on unnecessarily topic. बिना पूछे जाने किसी को judgment ना करना, ये एक अच्छी आदत है। तो listen without judgment. किसी चीज को सुनो लेकिन जज ना करो। The first thing of the curious mind. क्योंकि वो जानना चाहता है, तो जानने के बाद वो समझना चाहता है, ना कि बिना समझे जज करना चाहता है। The second thing, ask questions relentlessly. बिना हारे थके क्वेश्चन पूछते रहो। Ask questions like in your class, in your whatever you are reading, try to talk with that author. Author जो लिखता है किताब, writer को बोलते हैं।
जो वो राइटर है उससे बातें करो, उससे अपने आप से क्वेश्चन पूछो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस नेचर से पूछो, कुछ क्वेश्चंस को रहने दो, कभी समय मिलेगा वैसा कोई मिलेगा उनसे पूछ लेना, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछो। सो आस्क क्वेश्चंस रिलेंटलेसली, बिना हारे तक के आप क्वेश्चन पूछो। कुछ क्वेश्चन तो कॉमन होते हैं, किसी भी क्लास में कभी भी पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट, क्या है, व्हाई, क्यों है, वेयर, कहां है, हाउ, कैसे है। उसके बाद हमारे पास है व्हेन, कब हुआ, हु, कौन, ये हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हैं। वैसे देखा जाए तो व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, ये सब क्वेश्चंस आप पूछो कम से कम। नेवर गेट बोर्ड, जो क्यूरियस पर्सन होते हैं ना कभी बोर्ड नहीं फील करते हैं, वो उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग रहता है करने के लिए, अदरवाइज ही हैज समथिंग इंटरेस्टिंग टू थिंक, उनके पास सोचने के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है। दे डोंट गेट बोर्ड, वो कभी बोर्ड फील नहीं करते हैं, अकेले में वो रहना चाहते हैं, टू स्पेंड सम मोर टाइम टू आस्क क्वेश्चंस टू लर्न। तो डोंट फील बोर्ड एनी टाइम ऑफ योर लाइफ, कीप वॉचिंग सम डिफरेंट वीडियोस, कीप वॉचिंग सम डिफरेंट शोज, आस्क क्वेश्चंस, रीड डिफरेंट बुक्स, बट डोंट गेट बोर्ड। वो कभी क्यूरियस पर्सन जो होते हैं, वो जानने की उत्सुकता रखने वाले लोग बोर नहीं होते हैं। विलिंग टू बी रॉन्ग, मतलब दे डोंट फील बैड व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, वो समझते हैं कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसे हम सीखेंगे, और वो गलती कभी कभी कर देते हैं। वी ऑल डू मिस्टेक्स, मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिना मिस्टेक के हम लोग यहाँ थोड़ी पहुंच सकते हैं। अगर थॉमस अल्वा एडिसन इतना मिस्टेक्स ना करते तो बल्ब का आविष्कार कैसे होता, निकोला टेस्ला इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो आज ना सैटेलाइट पहुंचता, आज ना हमारे पास मिसाइल होता। तो एवरी गुड रिजल्ट इज द पार्ट ऑफ मिस्टेक्स, एवरी सक्सेस इज द पार्ट ऑफ सो मेनी फेलियर्स, सो डू मिस्टेक्स। अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो कल बेहतर भी करोगे, टुमारो यू विल डू बेटर, सो कीप डूइंग मिस्टेक्स, ओके। और जो भी जब भी रॉन्ग हो आप, तो एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट that we are wrong, after that we can work upon ourselves, after that stay in the moment, be in the moment, we say be in the moment, don't fly in the high all the time, मतलब हमेशा आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोचो कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और पता चला कि आप moment में ही नहीं हो। If you are in the moment, then you will understand the situation in the better sense. कभी भी आप मोमेंट में रहोगे, इस मोमेंट में हो आप, तो अभी आप सिचुएशंस को, क्लास को बेहतर तरीके से समझोगे। तो बी इन द मोमेंट ऑल द टाइम, तो ये क्यूरियस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमेशा मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं। नो वन कैन बी इन द मोमेंट, ओनली बुद्धा कैन बी इन द मोमेंट, सिर्फ बुद्धा रह सकते हैं मोमेंट में हर समय। हम लोग हर समय मोमेंट में नहीं रह सकते हैं, अगर रहेंगे तो बुद्धत्व पालेंगे, बट वी कैन ट्राई टू बी, वी कैन, वेन एवर वी आर इन द क्लास वी कैन बी इन द मोमेंट, ओके। आप किसी बच्चे को देखते हो, कितना क्यूरियस होता है वो, कितना मोमेंट में रहने की कोशिश करता है, हर समय वो मोमेंट में रहता है, इसीलिए तो इतने सारे वो क्वेश्चंस पूछता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज से आई डोंट नो, वट एवर यू डोंट नो से आई डोंट नो, वट एवर आई डोंट नो, सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम इन दैट यू डोंट नो, यू आर नॉट द विकिपीडिया, विकिपीडिया को सब पता है, इंटरनेट को सब पता है, गूगल को सब पता है, बट यू आर अ पर्सन एंड दे आर द सर्च इंजिन, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, यू हैव इंटेलेक्ट, यू हैव विजडम, सो यू डोंट नो सो मेनी थिंग्स एंड एक्सेप्ट इट दैट आई डोंट नो। अब बताइए अभी अमेरिका में क्या चल रहा है, आर्थिक स्थिति में क्या है, इकोनॉमी वहां का कैसे रन कर रहा है, फ्रांस का इकोनॉमी कितना डॉलर का है, यू डोंट नो, यू विल सर्च ऑन द विकिपीडिया। तो वट एवर यू डोंट नो, यू डोंट नो, जापान की इकोनॉमी कितना है अभी, कितना लाइक बिलियन डॉलर है, तो दीज ऑल द थिंग्स, अभी रुपये का कितना वैल्यू है, देर आर द सो मेनी थिंग्स इन द करेंट अफेयर्स दैट वी डोंट नो, एंड दीज ऑल आर द अननेसेसरी थिंग्स। हम अपने छोटे से बॉक्स को क्यों अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से भरते जाए, अगर भरना ही होगा तो विजडम से भरेंगे, विजडम इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन लर्न विद द टाइम। See, I don't know. जो भी आप नहीं जानते हो, see, I don't know. Make time for curiosity. Yes. Make some time in every day-to-day life for curiosity. How to make time? Like, see, if you, example, Swami Vivekananda, he used to sit with himself for 2 hours every day. वो हर दिन अपने आप के साथ 2 घंटे तक बैठते थे और पूछते थे बहुत सारे questions अपने आप से,
और कभी कभी शांत भी रहने की कोशिश करते थे। तो दे वर द वेरी मतलब मेडिटेटिव पर्सन एंड वो लोग बहुत आगे हैं। हम लोग 2 मिनट 4 मिनट हर दिन पूछ सकते हैं अपने आप से, आस्क व्हाट एवर क्वेश्चंस यू हैव। आप ये भी पूछो कि 3 साल बाद 4 साल बाद 10 साल बाद वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो एंड व्हाट आर द स्टेप्स यू आर टेकिंग टुवर्ड्स दैट डेस्टिनेशन। आप उस जगह पर पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स हर दिन ले रहे हो एंड हाउ मच यू आर डेवलपिंग एवरी डे। सो देर आर सो मेनी लाइक स्मॉल क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क टू योर सेल्फ एंड यू कैन इंप्रूव योर सेल्फ। तो मेक सम टाइम फॉर क्यूरियोसिटी, ओके। सेल्फ मोटिवेटेड, बी सेल्फ मोटिवेटेड, लाइक इफ यू सेट द गोल्स बाय योर सेल्फ, इफ यू सेट द गोल्स बाय योर सेल्फ, डोंट लाइक पीपल आपके लिए गोल अगर ना सेट करे कि आपको 12th में 90% लाना है, मम्मी का वादा है, पापा का प्यार है कि 12th में हमको 90% परफॉर्म करना है, ऐसा ना करो। बी सेल्फ मोटिवेटेड, व्हाट एवर आई विल परफॉर्म दैट विल बी माय बेस्ट, दैट विल बी माय बेस्ट। डू परफॉर्म इन योर क्लास, डू परफॉर्म इन योर लाइक होमवर्क, जो भी है अपने से बेस्ट करने की कोशिश करो। और सेल्फ मोटिवेटेड हो मतलब अंदर से आपकी आनी चाहिए, जैसे अंदर से क्या क्या अंदर और क्या बाहर, मतलब अगर आप बाहर से कोई बोल दे रहा है चलो 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 तो आप ना चलो, आपको अगर फील हो रहा है जाने का तभी चलो, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो कोई बोल रहा है तो उससे आप पे प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। जो अंदर से चीजें आए, जो आपको करने की इच्छा हो, अभी आपको अंदर से गुपचुप खाने का मन है तो डेट इज फ्रॉम योर इनर लाइक सेल्फ। अगर बाहर से कोई बोलो चलो चाट खाकर आते हैं तो वो बाहर ही हो गया, वो बाहर का मोटिवेशन हो गया। कोई आपको प्रेरित करे डेट इज फ्रॉम आउटसाइड, और जो आपको करने का मन करे डेट इज फ्रॉम इनर साइड। तो बी एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, वी विल टॉक अपॉन दैट वन डे। लव टू लर्न, व्हाट एवर यू आर लर्निंग लव टू लर्न, लर्निंग से प्यार करो, डोंट फील बोर्ड फ्रॉम द लर्निंग। जो भी हम कुछ नया सीखते हैं तो नया सीख रहे हैं कुछ नया करने के लिए, और हर जगह कुछ नया है। ये फोन कैसे बना है, इसके इतने सारे पार्ट्स हैं, आप नहीं जानते, यू आर अनअवेयर विद दीज ऑल द थिंग्स। सो ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, व्हाट एवर यू कैन लर्न इन योर लाइफ, लर्न करो, सीखो व्हाट एवर यू कैन लर्न। देर आर सो मेनी पीपल हु हैव डन लाइक सो मच इनोवेशन एंड सो मच लाइक so much things in their lives, so these all are the example of curiosity. ये सारे curiosity के examples हैं। देखो जैसे जो भी artist रहता है कितना thought process build कर उसके बाद कोई art और design करता है। कोई मान लो मंदिर का design है, विराम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उसमें जो artist काम कर रहे हैं कितना curiosity से सोच रहे होंगे कि ये ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, इसका design हम ऐसे सीढ़ी बनाएंगे तो कैसा रहेगा। तो इतने सारे curiosity से वो अपने आप से questions पूछते हैं, उसको apply करने की कोशिश करते हैं और फिर वो बेस्ट करते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद पेंटर्स है, पेंटर का हमारे पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लियोनार्डो दा विंची। ये जो है पर्सन मोनालिसा का आप कभी इंटरनेट पर पिक्चर सर्च कर देखना, मतलब ये बोला जाता है कि मोनालिसा का जो ड्राइंग है दैट इज द बेस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग इन द एंटायर ह्यूमैनिटी, यू कैन से इन द एंटायर वर्ल्ड। मोनालिसा का जो पिक्चर है वो द बेस्ट है, उसमें इनको कितने सारे साल लग गए थे देने के लिए। तो जो पेंटर्स आर्ट करते हैं वो अपने मन से करते हैं, क्यूरियस वे में करते हैं, इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा। इसको मधुबनी पेंटिंग को आप कभी देखो कितने वो लोग क्यूरियसिटी से काम करते हैं। पेंटर्स को देखो कभी आप, हम तो बहुत सारे मधुबनी पेंटर्स से मिले, आगे चलकर आपको भी मिलवाऊंगा, ओके। सो द नेक्स्ट इज राइटर्स, जो भी राइटर्स होते हैं, जो भी स्टोरीज लिखते हैं, वो बहुत क्यूरियस माइंड से भरे रहते हैं। दे आस्क सो मेनी क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ, स्टोरी को कैसे घुमाना है, कहाँ घुमाना है। जो मूवी मेकर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं मूवी के, जो मूवी के राइटर है, जो लिरिक्स राइटर हैं, ये सब बहुत क्यूरियस पर्सन होते हैं। उसके बाद फिलोसफर्स जो होते हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तभी तो वो जाकर फिलोसफी को टच कर पाते हैं, तभी तो वो फिलोसफर बन पाते हैं। जैसे आप टीचर डे जिस दिन मनाते हो, बहुत बड़े फिलोसफर हैं हमारे, बताओ किसके जन्मदिन पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड वो बहुत बड़े फिलोसफर थे और वो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछते थे, वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे हमारे देश के। चलो इन्वेंटर्स जो है, जो कुछ नया खोज करते हैं, वो भी बहुत क्यूरियस पर्सन होते हैं। जैसे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को आप जानते हो, गूगल जो सर्च किए, गूगल जो खोजे, गूगल का जो आविष्कार किए, गूगल को जो इन्वेंट किए,
आज गूगल सर्च इंजिन है, सर्च इंजिन क्या है कि हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं और वहां पे सर्च कर लेते हैं। तो दे ऑल आर द क्यूरियस पर्सन, एलन मस्क को देख लो कितना क्यूरियस पर्सन है, स्पेस में आदमी भेजने का बात कर रहा है, मार्स पे आदमी भेजने का बात कर रहा है। तो दे ऑल आर द क्यूरियस पर्सन। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, दे ऑल आर द क्यूरियस पर्सन, वो हमेशा कुछ नया क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं, कुछ समझते हैं। दे ऑलवेज टू बी अ लिव टू बी इन द प्रेजेंट, इनमें से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होता है, जैसे नेवर गेट बोर्ड, वो कभी बोर नहीं फील करते हैं। आस्क क्वेश्चंस रिलेंटलेसली, वो हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। लिसन विदाउट जजमेंट, वो सिर्फ सुन लेते हैं, अपना उस पे जजमेंट नहीं करते हैं। विलिंग टू बी रॉन्ग, वो गलती भी करते हैं, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें रहता है। स्टे इन द मोमेंट, ऑल द टाइम दे स्टे इन द मोमेंट, द चिल्ड्रन ऑफ आवर होम से आई डोंट नो, वो बहुत सारी चीजों के लिए बोल देते हैं कि आई डोंट नो मम्मी, आई डोंट नो पापा, आई डोंट नो भैया। सो देयर इज नो एनी रॉन्ग इन दिस। वो अपने सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं और वो लर्निंग को पसंद करते हैं। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक बच्चे में पा लेते हो। और जब हम लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमारा प्रॉब्लम चालू हो जाता है, वी स्टार्ट टू मेक जजमेंट, वी स्टार्ट टू बी इन द पास्ट एंड फ्यूचर, सो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो डोंट डू दैट, ओके। एंड द नेक्स्ट, देयर आर सम पीपल हु आर वेरी मच क्यूरियस इन देयर लाइफ। बुद्धा, आप बुद्धा को देख सकते हैं, महावीर को देख सकते हैं, चाणक्य को देख सकते हैं, विवेकानंद को देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, टाइगोर को, रविंद्रनाथ टाइगोर। उसके बाद पेंटर का हम लोग बात ही किए, लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन को आप देख सकते हो, आइंस्टीन, सीवी रमन को आप देख सकते हो, रमन इफेक्ट्स, निकोला टेस्ला, इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन अंडरस्टैंड दे ऑल आर द वेरी क्यूरियस पर्सन, क्योंकि अगर इनके अंदर क्यूरियसिटी नहीं होती ना तो कुछ बहुत बड़ा नहीं होता। ओके, जे आर डी टाटा, जगदीश चंद्र बोस साइंटिस्ट, यस, रामानुजन मैथमेटिशियन, टू डू समथिंग न्यू, न्यूटन्स लॉज। उसके बाद भाभा, होमी जहांगीर भाभा, सारा भाई, विक्रम सारा भाई, इसरो के जो स्थापना की। सो यू कैन अंडरस्टैंड जे आर डी टाटा, जो हमारे देश में इतने सारे इंडस्ट्रियल टाटा के लगाए। आफ्टर दैट यू कैन से थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब का आविष्कार, सॉकेट्स, प्लूटो, अरिस्टोटल, दे ऑल आर द फिलोसफर्स ऑफ देयर फील्ड। सो बी क्यूरियस ऑल द टाइम एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप ट्राई टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।